अभी 8:42 हो रही है सुबह की और हम जा रहे हैं गलदरा खोडियार धारी डिस्ट्रिक्ट में, वो जो खोडियार माता जी का धाम है वहाँ पे, तो हम अभी सुबह सुबह वहीं पे जा रहे हैं। मैप में अभी कुछ अप्रोक्स वन आवर का रास्ता बता रहा है, हम कुछ 10 बजे के आसपास पहुँचेंगे वहाँ पे। 43 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम ऑन द वे है अभी। हम धारी पहुंच चुके हैं और आंबरडी सफारी पार्क भी इस तरफ ही है 1 किलोमीटर, और आप देख रहे हैं ये गलदरा खोडियार मंदिर भी इसी तरफ है रास्ता, तो हम पहुंच ही गए हैं। लेट्स गो। तो हमने लास्ट दिन अमरेली में पूरा निकाला था, अहमदाबाद टू अमरेली, एंड कुछ रिलेटिव्स को मिले, और अभी मॉर्निंग में हम निकल चुके थे यहाँ मंदिर को दर्शन में आने के लिए। तो हम जस्ट अभी कितने बजे, 9:30 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, और हम पहुंच चुके हैं गलदरा खोडियार पे, और ये वहीं का रास्ता है। धारी डैम यहाँ पे फेमस है, धारी डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पे, और वहाँ पे ये सफारी पार्क भी है, और गलदरा खोडियार माता, जो खोडियार माता जी जो है उनका एक बहुत बड़ा धाम इधर है। तो हम आपको वही बताने वाले हैं आज के दिन में। ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरी ये नेट वगैरह लगाई हुई है, ये पीछे का पूरी जो जगह है वो आंबरडी सफारी पार्क की है। यहाँ पे आपको लायन, एशियन लायन और काफी सारे एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स इसमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है। सो ये जो पूरा है रास्ता, वो आपको उसकी बॉर्डर है सफारी पार्क की, तो उस नेट की उस तरफ पूरा सफारी पार्क है, आंबरडी सफारी पार्क। तो हम गलदरा खोडियार पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये माता जी और माता जी की बहनें हैं, 7 बहनें, तो ये खोडियार माता के धाम पे हम पहुंचे हैं। नाग कन्या बोलते हैं, 7 देवी यहाँ पे, 7-7 माता जी है, सबके अलग अलग नाम है और अलग अलग रूप से पूजा जाते हैं ये लोग। हम इनके धाम पे आए हैं खोडियार माता के धारी डिस्ट्रिक्ट में, गलदरा खोडियार टेम्पल का नाम है, और ये एक वाटर बॉडी के पास में है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है। एक्चुअली मॉनसून में और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि आसपास थोड़े माउंटेन्स है और बाजू में ही बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, एंड मंदिर के पास में ही वाटरफॉल है। मैं आपको जूम करके अगर देख सकते तो दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ये वाटर बॉडी है और वाटरफॉल है यहाँ पे, और वाटरफॉल में जाने के लिए ये वाला एक रास्ता है, यहाँ से आप वहाँ तक जा सकते हैं। और बोलते हैं कि माता जी का जो वाहन है वो क्रोकोडाइल है, मगर है, तो यहाँ पे माता जी का जो वाहन है मगर, ये वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, और इसके पास इनका धाम बना हुआ है। तो हम आज इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सकता है, और दर्शन करेंगे माता जी के। लेट्स गो। सामने आप जो देख रहे हैं वो धारी डैम है धारी का, और ये मंदिर का आंगन है, और नीचे ये जो गेट है वो वाटरफॉल की तरफ जाता है। सामने आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मंदिर है। સ્વયંભૂ મૂર્તિ છે માતાજી, તો માણસ સ્વરૂપમાં જે માતાજીએ
મૂર્તિ પૂજાય છે સ્વયંભૂ માતાજી નું જે મસ્તક છે ને એના ઉપર શણગાર છે આપણે એટલે ગળધરા ભળિયર એટલે કેવાય ગળા સુધી નું ખાલી મસ્તક જ માતાજી નું વૈધું ને ગળા સુધી નું ભાગી જાય પૂજાય पहले यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था तो माता जी ने उसको दस्ताने में कूट के उसका खून पी लिया था और नदी के अंदर जाके गले के नीचे का पूरा भाग उन्होंने गला दिया था, इस तरह से गलधरा नाम पड़ा। ये जो है वाटरफॉल है और ये जो नदी है पीछे से जो आ रहा है, मतलब यहाँ पे छोटा भी वाटरफॉल है पीछे, सो ये एक्चुअली सेतरुंजी नदी है जो सौराष्ट्र में धारी के आसपास से पास होती है। ये पालीताना के पास में भी है, सीहोर भावनगर के पास, और फिर अरब सागर में जाके लुप्त तो होती है। देख सकते हैं मेरे पीछे कितना फाइन लोकेशन है और यहाँ पे माता जी ने अपना गले से नीचे का पूरा बॉडी यहाँ पे गला दिया था और उनका जो मस्तक है वो यहाँ पे था इस वाले मंदिर पे। माता जी का मुख यहाँ पे था, बाद में माता जी के परमिशन लेके उनको ऊपर वाले मंदिर पे शिफ्ट किया जो अभी हमने आपको पहले बताया वहीं पे। फाइनली अभी बजे है 11:30 और हम सासणगीर में पहुंच चुके हैं, मतलब वो वाले रास्ते पे। तो इस जो जगह से है यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे सारी वार्निंग्स लिखी गई है और ये सारी चीजें है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा वाइल्ड एनिमल का घर है आप बोल सकते हैं। तो ये पूरा रास्ता पूरा कच्चा है और फॉरेस्ट से निकलता है गुजरता है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे आज गिर जो एशियन लायन का घर है, तो हम अभी एक्चुअली उसी जगह पे जाने वाले हैं। होपफुली कि हमें कोई एनिमल अच्छे से दिख जाए, अच्छा सा शूट मतलब हम देख सके एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे परमिट की विंडो है, यहाँ से ये कासिया चेक पोस्ट है, यहाँ पे गिर पश्चिम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे लगता है। यहाँ पे सारा बोर्ड्स वगैरह डाले हुए हैं, जो नोटिस या तो फिर आप बोल सकते हैं वार्निंग, वो सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन फॉरेस्ट के अंदर जाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे परमिट विंडो में आपको टिकट मिलेगी, मतलब इस गेट से फॉरेस्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वो सामने वाले दूसरे गेट के अंदर कुछ टाइमिंग का ड्यूरेशन है, उसकी लिमिटेशन है, उसी टाइम के अंदर अंदर ही आपको वो वाले गेट को क्रॉस करना है। और फॉरेस्ट के अंदर हम जब जाते हैं तो ओपन सारा ये पूरा फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल और स्पेशली एशियन लायन का ये घर है। तो हमें गाड़ी में से कार में से नीचे नहीं उतरना है और हॉर्न और बाकी सारी चीज़ें जिससे आग लगे या ऐसी कुछ भी चीज़ें वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो रूल्स सारे हमको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। लाउड म्यूजिक भी आप चला नहीं सकते, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो हम अभी इसी वक्त पहुँचे, बजे है आई थिंक 11:45 दोपहर के और हम यहाँ जा रहे हैं गिर सासणगीर फॉरेस्ट एशियन लायन होम। ये ऐसा एक वाउचर वो लोग हमको बना के देते हैं टाइमिंग के साथ, तो ये सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना है, सारी मेंशन कार के डिटेल्स और सब, कितने पर्सन है, क्या है,
कितने बजे हमें वहाँ से निकल जाना है, वो सारी चीजें। और एंटर होते ही हमको मस्त सा पीकॉक दिखा है, और ऐसे ही सारे रास्ते हैं। बीच बीच में नदी आती है, नदी के ऊपर से मतलब थोड़ा पानी होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसे कार को क्रॉस करना होता है, जैसे आप सामने देख रहे हैं एक कार आ रही है ऐसे। और यहाँ से गेट फॉरेस्ट के पास में से भी ट्रेन निकलती है, और आप फॉरेस्ट के अंदर से भी ट्रेन का नज़ारा बहुत अच्छा है। आप सोमनाथ वाला और ट्रेन आप बुक कराते हो तो पूरा फॉरेस्ट से निकलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा व्यू है, ऐसे रिवर के बीच में से ये सारा रास्ता है, इस तरह से आपको निकलना होता है। और ऐसा रास्ता है, मतलब आप देख सकते हैं पूरा, मतलब नेचर पीसफुल, एकदम शांति। और मतलब आप देखो, और ये तो हम क्रिसमस वैकेशन में आए हैं तो थोड़ा मतलब ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप मानसून के सीजन पे आते हैं, मानसून खत्म होने के बाद लाइक जन्माष्टमी के टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीन और बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखता है, ये सारे पूरा फॉरेस्ट जो है वो। ये जो मैं ट्रेन की बात कर रही थी, और लेफ्ट साइड मेरे आप देख सकते हैं कि ट्रेन पास हो रही है जंगल में से, आवाज आ रही है। है ना? शायद आपको ट्रीज इतने सारे हैं तो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन वो ट्रेन पास हो रही है बाजू में से, सोमनाथ जाएगी वो ट्रेन, वेरावल। ये जंगल के अंदर रेलवे ट्रैक है, और अभी अभी ट्रैक के पास से दो हिरण क्रॉस हुए हैं। ये आई थिंक नील गाय है, नील गाय। फॉरेस्ट के अंदर ओपन, ये देखो सामने हिरन का पूरा ग्रुप जा रहा है, कितने सारे डियर्स हैं, है ना कियांश? हाँ, बहुत सारे। और हाँ, हम दूसरे नेशनल पार्क में जा रहे हैं लायन देखने के लिए, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। फिश उभर है, तो जो एक इंच कितने बड़े फिश है आ रही जो ना शवाओ। हाँ, मेरे फिश हाँ, तो अंदर जो है दिखा, तो ये गिर के अंदर जो मालधारी है, जो पशु पालन का करते हैं, ये उन लोगों के घर है, ऐसे घर में वो लोग रहते हैं। ये इस मतलब इस तरह के घर को, या तो फिर ये इस काइंड ऑफ हाउस को नेसड़ा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में इधर, नेसड़ा। नेसड़ा मतलब ये लोग ऐसे इस तरह से जंगल में रहते हैं, मालधारी के एक काइंड ऑफ टाइप है। और यहाँ पे इन लोगों के जो पशु वगैरह होते हैं वो जंगल में इस तरह से चरते हैं, और यहाँ पे वो लोग लाते हैं। और इन लोगों की जनरल ज़्यादातर जो गाय भैंस वगैरह होती है, तो जो एशियन लायन है इन लोगों का शिकार करते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि इन लोगों का घर या तो गाय भैंसे जो होती है उसके आसपास आपको लायन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिकार करने के लोग शिकार करने के लिए
लायन शाम के टाइम को ज्यादातर शिकार का पूरा स्ट्रेटजी बना के, लायन तो नहीं लेकिन लायनेस शिकार करती है ज्यादातर, तो ये सारा प्लान बना के फिर शाम, ज्यादातर शाम को या तो फिर रात को इन लोगों का शिकार करती है। सो हम अभी कितने बजे हैं, 1 बजे है और हम आए हैं फॉन द फॉन गिर फॉरेस्ट रिसोर्ट और हम लंच का प्लान यहाँ का है आज का। सो एक्सप्लोर करते हैं फॉन का फूड। सो बहुत बड़ी जगह है, ऑब्वियसली होगा फॉन है, बहुत ग्रीन है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है और वो क्या होता है, पीस का एक अलग सा साउंड होता है, वो फील होता है, वो वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है और मतलब आप खुद ही देख लो स्क्रीन में कितना ब्यूटीफुल है, इतनी धूप में भी बहुत ठंडक देता है कलेजे को। सो प्रॉपर्टी तो काफ़ी बेहतरीन है। हमने लास्ट मोमेंट पे ये ट्रिप प्लान की थी और क्रिसमस की वजह से हमें बहुत मतलब बुकिंग करने में, होटल बुकिंग में काफ़ी दिक्कत आई, तो हमने अच्छी प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली नहीं बुक की है, लेकिन हमने लंच का प्रोग्राम बनाया एंड आप देख लो प्रॉपर्टी तो। ऐसा वॉक ब्रिज जो होता है उसमें उसकी मज़ा कुछ अलग ही है, गार्डन के आप पास भी आप कभी देख लो, रिसोर्ट में भी देख लो, बच्चों को तो बहुत मज़ा आती है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ इंडोर एक्टिविटीज़ थी। अगर आपका बजट है और आपको लग्जरी मतलब फील करना है या तो एंजॉय करना है तो आप ये रिसोर्ट को ऑब्वियसली रख सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, क्रिसमस की वजह से यहाँ पे क्रिसमस का पूरा डेकोरेशन था और इतनी ज़्यादा आइटम थी, अभी स्क्रीन को जो देख रहे हैं हाउस वो उन लोगों ने फूड आइटम से बनाया हुआ है जो ईटेबल है और इतनी ज़्यादा वेराइटी थी खाने की, तो मैं सब आपको बता नहीं पाऊँगी क्या क्या है, आप स्क्रीन पर देख लो कि ये सारा खाना था वो हमने अनलिमिटेड था, पैकेज हमने अनलिमिटेड का लिया था, बुफे था तो वो हम सब ने एंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, लाइक सुकून वाला फील मिल रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा वाला वैकेशन वाला फील जो चाहिए एग्जैक्टली आपको पीस वाला, तो ये रिसोर्ट है वन। हम लायन देखने जाने वाले हैं तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए, एशियन लायन आपको दिखाने वाले हैं, सो वीडियो में बने रहे एंड तक और प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो अभी 3 बजने को आए हैं और हम देवलिया या तो देवलिया सफारी पार्क में जा रहे हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहा है, 5 मिनट का रास्ता है, हम ऑन द वे है, देखते हैं वहाँ पे हमें टिकट मिल पाती है या नहीं, लेट्स सी। देवड़िया नेशनल पार्क के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं, ये इंफॉर्मेशन डेस्क है और हम टिकट के लिए जा रहे हैं। सो हमें टिकट मिल चुकी है, हम बस में ट्रैवल करने वाले हैं, आधे घंटे की राइड है, इसके लिए कूपन लेनी पड़ती है, तो हमें ये वाली बस को दिया गया है, ये गुजरात टूरिज्म का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गुजरात स्टेट। सो ये टिकट है 570 रुपीज 2 adult and 1 kid। हम बस में बैठ चुके हैं, नॉन एसी बस है 2x1।
पर्सनल जीप सफारी भी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, लेकिन उसको पहले से बुक करना पड़ता है, लेकिन हमने लास्ट मोमेंट पे ट्रिप प्लान की है तो ऑलरेडी बुक था। लायन सो रहे हैं, वो आगे पेड़ के नीचे आपको शायद दिख रहा है। लायन को लाइफ में एक टाइम तो लाइफ देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो इतना ग्रेसफुल एनिमल है, और जब आप उसको लाइव उसके वाइब्रेशन फील करते हो और नज़दीक होता है उसका पूरा, मतलब बॉडी का जो एटीट्यूड है, उसका पूरा जो पर्सनालिटी है वो गजब वाली होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में एक बार लायन को लाइव देखना तो बनता है। अभी तो ये सारे लायन सो रहे हैं, लेकिन जगता हुआ लायन देखना और उसकी आईज में देखना, वो जो फील है, बाकी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे। ट्राई करना, वो नसीब वालों को मिलता है, एक्चुअली सबके लक में नहीं होता है लायन देखना, और वो भी ऐसे हेयर वाले और जगते हुए, वो तो अपना अपना नसीब होता है। ये हिरन भी बाकी ऐसे खड़ी थी ना जैसे कि एक्चुअली में पोज दे रही है फोटो के, देखो तो सही इसको। और ये है लैपर्ड्स, कितने सारे लैपर्ड्स हैं। बाकी लैपर्ड की जो स्फूर्ति होती है ना, गजब होती है, गजब। अभी तो वैसे वो लोग आराम कर रहे हैं, ये देखो ये पेड़ पे कोई लटक रहा है, कोई इधर है, कोई उधर है, मतलब क्या ही सीन है, गजब वाले। देवलिया नेशनल पार्क के अंदर एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है, शियांश को बहुत मजा आ गया यहाँ पे। एग्जैक्टली पीछे फॉरेस्ट है, और ये जो देवलिया नेशनल पार्क है यहाँ का चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ का मैनेजमेंट काफी अच्छा था, पानी की भी फैसिलिटीज थी, वॉशरूम भी अच्छे से मेंटेन थे, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइटिंग और पानी का सब बेहतरीन था। लेकिन टिकट विंडो में एक प्रॉब्लम मुझे लगी, वहाँ पे ओनली कैश पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड या मोबाइल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों। गुजरात टूरिज्म तो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करती है, यहाँ पे क्यों ऐसा था आई डोंट नो, तो ये एक पॉइंट था जो मुझे नहीं अच्छा लगा। हम देवलिया नेशनल पार्क से, सफारी पार्क से सोमनाथ की तरफ जा रहे थे, तब इतना ब्यूटीफुल व्यू हमें देखने को मिला। सो 5:15 बजने वाले हैं और हम सोमनाथ मंदिर के मेन गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं, मतलब अब ऑन द वे है। 1 किलोमीटर जितना दूर है यहाँ से ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में है, अरब सागर के पास में। सोमनाथ टेम्पल, सोम यानी कि चंद्र, चंद्र का स्वामी यानी कि शंकर भगवान, सोमनाथ करके ये नाम पड़ा है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। सो हम अभी जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अभी कितने बजे हैं, 5:30 बजे शायद तक, यस 5:30 में 5 मिनट कम है, हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल पे आ गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ व्यू, ये है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं, सोमनाथ बीच, और कितने बजे हैं अभी, 5:30 हुई है, हम बीच की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ का बीच। यहाँ पे टिकट है, 10 ईयर्स के नीचे के बच्चे के लिए फ्री है, और पर पर्सन 10 रुपीज चार्जेस है बीचेस के लिए, यहाँ पे एंट्री है।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था तो उनके दर्शन में आपको नहीं करवा पा रही, सॉरी फॉर दैट। अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। आज सोमनाथ में स्टे है और हमने यहाँ पे स्टे लिया है, होटल सुख सुविधा। कम थैंक यू। डोंट टच। ओके तो हमने चेक इन कर लिया है, हम लिफ्ट में हैं और सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। देखते हैं, होपफुली रूम अच्छा हो। लिफ्ट के बिल्कुल सामने ही है 304, हमारा रूम नंबर 304। ओके स्टार प्रॉपर्टी है आज का स्टे यहाँ पे है। और ये होटल से व्यू है, मेन रोड पे ही है सोमनाथ का, जो एंटर होते हैं जो बड़ा सर्कल आता है, सर्कल के पास में ही ये होटल है। तो ये मेन रोड पे ही है। तो हमने फोन में बहुत हैवी खा लिया था और काफ़ी ज़्यादा फैंसी था, तो अभी हमें कुछ लाइट खाना है, कुछ देसी खाना है। तो हम सोमनाथ के पास में एक क्या नाम है, सुख सागर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए हैं सॉरी डिनर के लिए। और खियांश को भी ऐसा है कि उसको मतलब सब्जी रोटी ऐसी देसी खाना ही खाता है वो, और कुछ खाने के लिए उसके बहुत नखरे होते हैं। तो हम एक सिंपल से रेस्टोरेंट में अभी आए हैं, देखते हैं यहाँ का फूड कैसा है और सब कैसा है। और हम जो रेस्टोरेंट में आए हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग है, तो हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं और वेटिंग एरिया में एक मस्त झूला भी है, तो कियांश झूला झूल रहा है। यहाँ का खाना क्वालिटी एंड रेट बहुत अच्छा था। 500 के अंदर तो हम तीनों ने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया और उसके बाद हम होटल चले गए और रेस्ट किया। अभी तक मेरी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और day 3 का वीडियो देखना मत भूलिए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मी मौसमी शेठ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।